साउथ ईस्ट एशिया की एक खूबसूरत सी कंट्री मलेशिया, जो कि हर टूरिस्ट के लिए एक आइडियल प्लेस है। मलेशिया में आपको बीचेस, माउंटेन्स, केव्स, वाइल्ड लाइफ, आर्किटेक्चर, एडवेंचर एक्टिविटीज, नाइट लाइफ, शॉपिंग, हर वो चीज़ जो एक टूरिस्ट विजिट करना चाहता है वो आपको मलेशिया में देखने को मिल जाएगी। सो इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मलेशिया कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा मलेशिया घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप मलेशिया का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मलेशिया एक फ्यूचरिस्टिक, वेल डेवलप्ड, मल्टीकल्चरल कंट्री है, जहां पर आपको मलेशियन, चाइनीज, इंडियन और श्रीलंकन कम्युनिटी देखने को मिलेगी। मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर है और मलेशिया की करेंसी रिंगिट है, जो कि एक रिंगेट ऑलमोस्ट 18 रुपए के बराबर होता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलाय है, बट बीइंग अ टूरिस्ट कंट्री इंग्लिश भी मोस्टली लोग यहाँ पर जानते हैं। और मलेशिया में आपको काफी सारे इंडियंस भी देखने को मिलेंगे। कोलालंपुर के लिए इंडिया की सभी मेट्रो सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। एयर एशिया से आप कोलालंपुर की आने जाने की फ्लाइट 17 से 20 हजार रुपए के बीच में बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको 5.5 घंटे में मलेशिया पहुंचा देगी। वीज़ा की बात करें तो 2024 में इंडियंस के लिए मलेशिया का वीज़ा फ्री है। 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक मलेशिया घूमने जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 दिन तक आप मलेशिया में विदाउट वीज़ा घूम सकते हैं। सो ना आपको वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म भरना है, ना ही वीज़ा फीस देनी है। बस आपके पास वैलिड पासपोर्ट, आपकी कंफर्म्ड रिटर्न टिकट और कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए, जिसे दिखाकर आपको 30 दिन का वीज़ा स्टैंप मिल जाएगा। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद आ रहे हैं तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा, वो भी आप ऑनलाइन इजीली ले सकते हैं। साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिल जाएगी। 2 से 2.5 हजार आपका वीज़ा का खर्चा आएगा और 4 से 5 दिन में वीज़ा आ जाएगा। कोलालंपुर पहुंचकर आप चाहे तो एयरपोर्ट से करेंसी कन्वर्जन और टूरिस्ट सिम कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। लोकल मार्केट से आपको करेंसी कन्वर्जन रेट और टूरिस्ट सिम कार्ड एयरपोर्ट के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। उसके बाद आप एयरपोर्ट से होटल जाएं। कोलालंपुर में एवरेज होटल आपको 2 से 4 हजार की रेंज में मिल जाता है, जिसे आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। होटल आप KL सेंट्रल के पास लें, क्योंकि यहाँ से आपको हर टूरिस्ट प्लेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा। होटल बुक कराते समय चेक इन टाइम जरूर चेक कर लें, ऐसा ना हो कि आप सुबह कोलालंपुर पहुँच जाएं और होटल चेक इन टाइम 2 बजे का हो। ट्राई करें कि अर्ली चेक इन वाला होटल बुक करें। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो अक्टूबर टू अप्रैल बेस्ट टाइम रहता है मलेशिया घूमने का। इस टाइम मलेशिया में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। कोलालंपुर में आप बस, टैक्सी, मेट्रो से घूम सकते हैं। इसमें सबसे चीप मेट्रो रहता है। मेट्रो का डे पास आपको 2000 रुपये में मिल जाता है। अगर आप टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो आप ग्रैब टैक्सी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब से आप टैक्सी ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं और आप होप ऑन होप ऑफ बस से भी 1000 रुपये में कोलालंपुर का डे टूर कर सकते हैं और कोलालंपुर की सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। होप ऑन होप ऑफ बस मलेशिया आप गूगल पर डालेंगे तो आपको काफी सारी साइट देखने को मिल जाएंगी, जिनसे आप इन बसेस की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मलेशिया जा रहे हैं तो होप ऑन होप ऑफ बस सबसे चीप वे रहता है मलेशिया घूमने का। मलेशिया में कहाँ घूमें? सो सबसे पहले आप कोलालंपुर में पेट्रोनस ट्विन टावर घूमने जा सकते हैं, जो कि सबसे फेमस प्लेस है मलेशिया की। ट्विन टावर वर्ल्ड की सबसे ऊंची ट्विन टावर बिल्डिंग है। ये एक तरह से लैंडमार्क है मलेशिया विजिट का। ट्विन टावर की हाइट 452 मीटर है और इसमें 88 फ्लोर्स हैं। ट्विन टावर में आप स्काई ब्रिज, जो कि 42वें फ्लोर पर है, जिसकी टिकट 1000 रुपये, और ऑब्जर्वेटरी डेक, जो कि 86 फ्लोर पे है, इसकी एंट्री फी 1800 रुपये तक की रहती है। और बाकी फ्लोर्स पर यहाँ पर ऑफिसेज हैं। ट्विन टावर का नियर बाय मेट्रो स्टेशन KLCC है। उसके बाद आप एक्वेरिया जा सकते हैं जो कि ट्विन टावर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आप अंडर वाटर जू, मैरीन लाइफ स्पीशीज देख सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट 700 रुपये तक की रहती है और अंडर वाटर डाइविंग का प्राइस 4000 रुपीज तक का रहता है। उसके बाद आप मिनारा कोलालमपुर जा सकते हैं जिसे KL टावर भी बोला जाता है। इसकी हाइट 421 मीटर है और ये वर्ल्ड का 7वां लार्जेस्ट टावर है। यहाँ की एंट्री फीस 1100 रुपये तक की रहती है। यहाँ पर आप 360 व्यू ऑफ कोलालमपुर सिटी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्काई डेक और ऑब्जर्वेशन डेक भी विजिट कर सकते हैं। शाम को अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहें तो आप जलान एलोर, ट्रेस, बुकित बिंटांग मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल्स, बार, क्लब, डिस्क, मसाज, ड्रिंक्स, नाइट लाइफ आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। डे 2 पर आप जाएँ बाटू केव्स। बाटू केव्स आप मेट्रो से जा सकते हैं। KL सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से आपको बाटू केव्स के लिए डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी जो कि आपको 50 मिनट में बाटू केव्स पहुंचा देगी। कैब से आप जाना चाहें तो 300 रुपये में आप कैब से बाटू केव्स जा सकते हैं। बाटू केव्स में आपको काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। बाटू केव्स के मेन मंदिर में पहुंचने के लिए आपको 272 सीढ़ियां चढ़ के जानी होती हैं। ये रंग बिरंगी सीढ़ियां बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती हैं और ऊपर जाकर आप मेन टेम्पल देख सकते हैं। ये गुफाएं 100 मीटर ऊंची हैं और ये जगह भगवान मुर्गन को समर्पित है जो भगवान शिवजी जी और माता पार्वती जी के पुत्र कार्तिक जी का दूसरा रूप है। और यहाँ पर आपको काफी सारे इंडियंस भी देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ आकर काफ़ी अच्छा फील होगा। ये भी मस्ट विजिट प्लेस है मलेशिया की। उसके बाद आप जू नगारा जा सकते हैं। बाटू केव से जू नगारा का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है जिसे आप टैक्सी से तय कर सकते हैं। जू नगारा की टिकट 750 रुपीज़ की रहती है। यहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और जू नगारा में आप बर्ड और एनिमल शो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप नेशनल म्यूजियम और नेशनल मॉन्यूमेंट एक्सप्लोर करने जा सकते हैं जो कि कोलालमपुर मेन सिटी में ही है। नेशनल म्यूजियम की टिकट 100 रुपये की रहती है। नेशनल म्यूजियम में आपको मलेशिया की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा और मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर इंग्लिश में फ्री गाइडेड टूर भी होता है। और शाम को आप लिटिल इंडिया जा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंडियन शॉप्स, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए आप ब्रिजाया टाइम स्क्वायर भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आप रीजनेबल रेट्स पर शॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग के लिए आप पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट, चाइना टाउन जा सकते हैं जहाँ से आप चीप में शॉपिंग कर सकते हैं। डे 3 पर आप सनवे लैगून थीम पार्क घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर आप एम्यूज़मेंट पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क, वाटर पार्क, स्क्रीम पार्क, लॉस्ट लैगून, एक्सट्रीम पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 3600 से 4000 रुपये तक की रहती है। यहाँ पर आप वाटर राइड्स, सर्फ बीच, फ्लावर राइड, बीच आइलैंड और काफ़ी सारे थीम्स लाइक हॉरर, जंगल फ्यूरी, मॉनसून 360, फ्लाइंग फॉक्स, लॉस्ट सिटी एटसेट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अगर आप बीच घूमना चाहें तो आप डे 4 पर लंकावी जा सकते हैं। और अगर आपको बीच नहीं एक्सप्लोर करना तो आप डे 3 की शाम को अपनी इंडिया की रिटर्न फ्लाइट ले सकते हैं। अगर आप लंकावी जाना चाहें तो आप कोलालमपुर से कोला पेरलिस के लिए बस ले सकते हैं। कोला पेरलिस पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं। कोला पेरलिस से आप आगे फेरी से लंकावी जा सकते हैं। कोलालमपुर से आप लंकावी बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं जो कि आपको 1.5 घंटे में लंकावी पहुंचा देती है। इसमें फ़्लाइट का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है। फ़्लाइट की टिकट आपको 1000 से 1500 रुपये में मिल जाती है और बस और फेरी का फेयर भी ऑलमोस्ट इतना ही पड़ता है। लंकावी में आप ब्यूटीफुल लंकावी बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लंकावी में आप स्काई ब्रिज केबल कार से जा सकते हैं, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है लंकावी की। केबल कार की टिकट 1600 रुपए तक की रहती है और इसकी टोटल लेंथ 2.5 किलोमीटर है और जर्नी टाइम इसका 15 मिनट का रहता है। और यहाँ पर आप पूरे आइलैंड का एरियल व्यू भी देख सकते हैं और स्काई ब्रिज पहुँचकर आप कुछ टाइम अपना वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और आप मलेशिया में कैमरून हाईलैंड्स भी जा सकते हैं, जो कि एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर आपको टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। और आप मलेशिया में जेंटिंग आइलैंड, लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ टैम्बन, स्काई वर्ल्ड थीम पार्क अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। फूड की बात करें तो फूड में वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मलेशिया में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जगह जगह इंडियन रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली यहाँ पर आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे और फूड आपको यहाँ पर रिजनेबल रेट्स पर मिल जाएगा। सो फूड की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर आकर नहीं होगी। एक मील की कॉस्ट की बात करें तो 250 से 400 रुपये आपकी एक मील की कॉस्ट आएगी। सो इस तरह से आप 4 दिन का मलेशिया का टूर प्लान कर सकते हैं। सो बजट की बात करें तो बजट आपका कुछ इस तरह रहेगा। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 3000 रुपये तक का होटल ले रहे हैं तो 4 दिन का होटल का खर्चा 6000 रुपये पर पर्सन, फ्लाइट का 18000 रुपये पर पर्सन, वीज़ा आपका फ्री रहेगा, साइट सीइंग का 5000 रुपये पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 6000 रुपये पर पर्सन, फूड का 5000 रुपये पर पर्सन और अदर एक्सपेंस 1000 रुपये पर पर्सन। सो इस तरह से आप 40 से 45,000 में अपना मलेशिया का टूर प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।